नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार जगत। सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसी दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बातचीत में झूठी कह दिया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता की अपील की है और इसके लिए तैयार है। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir because this has been going on for many many years. लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ट्रंप झूठ भी बोल सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कोई अपील नहीं की। आपको बता दें कि वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत कर सकता है। कश्मीर पर भारत अपने पहले के रुख पर बरकरार है और तीसरी पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करने देगा। वी हर्ड रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अ मीटिंग with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. इस विषय पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए कहा है। अगर यह सच है तो पीएम मोदी ने भारत के हितों के साथ और 1972 के शिमला समझौता के साथ धोखा किया है। इस मुद्दे पर एक कमज़ोर विदेश मंत्रालय के बयान से बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बैठक में क्या बात हुई थी। रिपोर्ट अखबार जगत।